नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 6 की नागरिक शास्त्र पुस्तक का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है विविधता एवं भेदभाव। प्रिय बच्चों, भारत एक विशाल देश है। यहाँ अनेक जातियाँ, अनेक धर्म, अनेक भाषाएं और अनेक तरह के लोग पाए जाते हैं, और जहाँ पर इतनी अनेकता पाई जाती हो, वहाँ भेदभाव भी एक सामान्य बात होती है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि किस तरह की विविधता भारत में प्राचीन समय से पाई जाती आ रही है, और इसके अलावा किस तरीके का भेदभाव कुछ विशेष समाजों में होता आया है। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय विविधता एवं भेदभाव। चलिए कुछ ऐसे ही बिंदुओं पर ध्यान देते हैं। हम क्या हैं, हम कैसे हैं, यह कई चीजों पर निर्भर करता है। किन चीजों पर निर्भर करता है? कि हम क्या भाषा बोलते हैं, हम किस धर्म से संबंध रखते हैं, और हमारा समाज कैसा है जहां हम रहते हैं, और यहां तक कि हमारा इतिहास और हमारा भूगोल भी हमारे ऊपर कहीं ना कहीं असर डालता है। संक्षेप में अगर इन बिंदुओं पर देखें तो भारत एक विविधताओं वाला देश है। भारत में अनेक धर्म हैं, 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, हमारे जैसे बात करते हैं, हमारे जैसे कपड़े पहनते हैं, और अक्सर हमारे जैसी सोच रखते हैं। लेकिन कभी कभी यूं भी होता है कि जो लोग हमसे कुछ अलग होते हैं, उनके साथ कभी कभी हम अपनी राय नहीं बिठा पाते, उन्हें हम समझ नहीं पाते, और इस तरीके से अलग दिखने वाले लोगों के बारे में कभी कभी हम अपनी राय भी कुछ अलग तरह की बना लेते हैं। आइए इन दो बिंदुओं को समझने के लिए हम ग्रामीण और शहरी इलाकों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अगर हम ग्रामीण जिंदगी की बात करें, ग्रामीण लोगों की बात करें, तो आधे से ज्यादा भारतीय गांव में रहते हैं। गांव में लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, और यहाँ तक कि फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में आजकल शहरों की ओर पलायन करना शुरू कर गए हैं। वो शहरों की ओर स्थानांतरित होने में बाध्य हो रहे हैं। और इसके विपरीत अगर हम शहरी जिंदगी की बात करें, तो शहरी जिंदगी हमें बहुत आसान सी प्रतीत होती है। हमें लगता है कि अक्सर शहरों में नौकरी पेशा लोग रहते हैं। शहरों में रहना उतना आसान नहीं है जितना दिखाई देता है, क्योंकि शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई तो नजर आती है, लेकिन वो नहीं दिखता कि कैसे कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। आपने देखा होगा कि शहरों में मकान को किराए पर लेने की कीमत कितनी अधिक होती है, और अगर हम गांव की बात करें तो गांव में किसी भी तरह से किराए पर लेने की या तो नौबत ही नहीं आती, अगर आती भी है तो किराया बहुत कम होता है। आइए अब जानते हैं पूर्वाग्रह शब्द के बारे में। पूर्वाग्रह शब्द का क्या अर्थ होता है? जब हम किसी के बारे में पहले से ही कोई राय अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, अक्सर उसे पूर्वाग्रह कहा जाता है। ज्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। उदाहरण के लिए, यदि हम यह सोचें कि अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है और दूसरी भाषाएं इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि
आज हर जगह अंग्रेजी का बोलबाला है तो कहीं ना कहीं हम दूसरी भाषाओं को नकारात्मक रूप से देखने लग जाते हैं, गैर अंग्रेजी लोगों की इज्जत नहीं कर पाते। अगर यही बात हम लड़के और लड़कियों के संदर्भ में देखें तो बचपन से ही लड़कों को सिखाया जाता है कि लड़के बहुत बहादुर होते हैं, वो रोते नहीं हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं वो ये मान लेते हैं कि रोना धोना लड़कियों की निशानी है। रूढ़िबद्ध धारणाएं जब हम सभी लोगों को एक छवि में बांध देते हैं तो उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं। अगर मैं धर्म की बात करूं तो अक्सर वो लोग जो टोपी पहनते हैं, लंबे दाढ़ी रखते हैं, उन्हें हम बिना बताए पहचान जाते हैं कि ये लोग मुस्लिम हैं। या अगर किसी व्यक्ति ने सिर पर पगड़ी पहनी है और लंबे दाढ़ी रखी है तभी हम पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति सिख होगा। दूसरी धारणा के अनुसार मुसलमान लड़कियों को पढ़ाने में रुचि नहीं लेती, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता। मुसलमानों में व्यापक गरीबी इसका महत्वपूर्ण कारण है। केरल के स्कूल प्राय घर के पास हैं, सरकारी बसों की सुविधा उपलब्ध है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को पहुंचने में मदद मिलती है। उनमें 60% से अधिक महिला शिक्षक हैं। इन सभी कारकों ने गरीब और मुसलमान लड़कियों को शिक्षित करने में अहम भूमिका निभाई है। तो जिस पूर्वाग्रह के साथ हम जीते हैं कि मुसलमान लड़कियों को शिक्षित करना नहीं चाहते, अगर केरल के संदर्भ में देखा जाए तो ये पूर्वाग्रह खत्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ इस जाति की लड़कियाँ अच्छी खासी पढ़ाई करती हैं और अच्छी खासी शिक्षा उन्हें दिलाई जाती है। कई जनजाति लोग, धार्मिक समूहों वो खास क्षेत्रों के लोगों को विविधता और असमानता के आधार पर दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में हम कम महत्व का काम आंकते हैं। और अक्सर आपने सुना होगा जाति व्यवस्था के निचले पायदान पर इस श्रेणी को माना जाता है। जाति व्यवस्था गरीबी और अमीरी विविधता का रूप ना होकर असमानता का रूप धारण कर लेती है। संविधान के लेखकों ने कहा है कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान समझना, समानता सुनिश्चित करना, ये सभी महत्वपूर्ण कारक हैं। इस विषय को और अधिक समझने के लिए कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। जैसे संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। यहाँ 100 से ज्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। जब हम किसी के बारे में कोई राय बना लेते हैं या दिमाग में वो बात बिठा लेते हैं तो वो एक पूर्वाग्रह के रूप में ली जाती है। ज्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। लोगों को आलसी, कंजूस या चालाक मानना भी एक तरह का पूर्वाग्रह हो सकता है। या यूं कहिए कि समाज में लड़के और लड़कियों को भेदभाव की दृष्टि से देखना या उनके साथ किसी तरह का भेदभाव करना भी पूर्वाग्रह का ही प्रभाव होता है। विकलांग शब्द को बदलकर आज जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो है दिव्यांग। इस शब्द को बदलने की जरूरत क्यों पड़ी? बच्चों, इस शब्द को दिव्यांग शब्द में बदलने की आवश्यकता भी इसीलिए पड़ी क्योंकि जब हम कभी विकलांग शब्द का प्रयोग करते थे तो अक्सर किसी खास पहचान वाले व्यक्ति या बच्चे का रूप जो है हमारे सामने आ जाता था और अक्सर वो रूप नकारात्मक होता था। कहीं ना कहीं हम सोचते थे कि सामान्य व्यक्ति से कुछ कमियां सामने वाले में रह गई होंगी तो उसे विकलांग कहा जाता है। अब उसका नाम बदलकर दिव्यांग एक सकारात्मक सोच देने के लिए रखा गया है ताकि सामने वाला ये समझ पाए कि ये बच्चे या ये व्यक्ति किसी खास जरूरत वाले बच्चे या व्यक्ति हैं। चलिए इसे एक और भी आसान उदाहरण से समझाती हूँ। मान लीजिए एक घर में
दो बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। और अक्सर होता यूं है कि दोनों बच्चों का कभी ना कभी तो रोने का मन करता है। किसी खास वजह से दोनों को गुस्सा तो आता है, दर्द तो होता है, लेकिन बड़े होने तक हमारे मन में पल रहे पूर्वाग्रहों की वजह से लड़के ये सीख जाते हैं कि लड़के बहादुर हैं, रोना लड़कियों का काम है। ये पूर्वाग्रह ही है जो हमें ये सिखाता है कि लड़के कभी भी कमजोर नहीं पड़ते। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं तो उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहा जाता है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक खांचे में जड़ देती हैं। मुसलमानों के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि आम राय बन गई है कि ये लोग लड़कियों को पढ़ाना पसंद नहीं करते, इन्हें स्कूल नहीं भेज पाते, और अगर भेजते भी हैं तो जल्दी ही इन्हें स्कूल से निकाल लेते हैं। मुसलमान लड़कियों की स्कूल से गैरहाजिरी का कारण धर्म नहीं बल्कि उनकी गरीबी है। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। आइए इसे और अच्छे से समझने के लिए एक और शब्द को समझते हैं। वो शब्द है दलित। दलित मायने जिसे दबाया या कुचला गया हो। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है, और ऐसी अनुसूचित जातियां केवल समाज में इसलिए नहीं बनी कि वो पिछले कई सालों से अनुसूचित वर्ग में आ रहे हैं, बल्कि शायद इसलिए है कि समाज में ये लोग वो कार्य करते हैं जिन्हें कि आम तौर पर कमतर आंका जाता है। अस्पृश्यता की अगर बात करें तो इसे हम छुआछूत भी कह सकते हैं। अस्पृश्यता को अपराध की तरह देखा जाता है, और इसे हालांकि कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महार जाति से संबंध रखते थे। अगर सही कहा जाए तो ये तथाकथित दलित जाति थी। जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि यह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो उन्हें मिलना चाहिए। और भारतीय इतिहास में समानता की ये लड़ाई आज से नहीं, बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। अगर हम गांधी काल की बात करें तो हमारे कई स्वाधीनता सेनानियों ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। गांधी जी ने अछूत जाति के लोगों को हरिजन का नाम दिया। उन्होंने लोगों के मन से यह पूर्वाग्रह मिटाने का अथक प्रयास किया कि ये लोग हरि के जन हैं और अक्सर वो कार्य करते हैं जो सामान्य जन नहीं कर पाते। इस लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वालों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम भी आता है। जब भारत आजाद हुआ उस समय कई गणमान्य नेताओं ने एक नए देश का निर्माण कार्य शुरू किया। जातिगत भेदभाव को संविधान में एक अपराध घोषित किया गया। संविधान में इस बात का प्रावधान भी किया गया कि दलितों का उत्थान किया जाए। संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताया गया। इसका अर्थ यह है कि भारत का आधिकारिक तौर पर अपना कोई धर्म नहीं है। कानून की दृष्टि में सभी धर्म एक समान हैं। कोई व्यक्ति धर्म या जाति के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। इन्हीं रूढ़िबद्ध धारणाओं को आइए कुछ कथनों का मेल करते हुए समझते हैं। कॉलम एक में कुछ कथन दिए गए हैं, और अगर हम उन्हें कॉलम दो से मिलान करें तो देखिए कि किस तरीके की रूढ़िबद्ध धारणाएं सामने आती हैं। अगर हम क भाग की बात करें तो दो डॉक्टर खाना खाने बैठे, उनमें से एक ने मोबाइल पर फोन करके अपनी बेटी से बात की जो उसी समय स्कूल से लौटी थी। अगर हम
इस पंक्ति को समझें तो डॉक्टर एक महिला है और उसकी बेटी भी स्कूल जा रही है। यहाँ जो रूढ़िवादी धारणा थी कि लड़कियां स्कूल नहीं जाती या उन्हें पढ़ाई से वंचित रखा जाता है, इस तरीके की धारणाओं को चुनौती दी गई है। जिस बच्चे ने चित्रकला प्रतियोगिता जीती वह मंच पर। ख भाग का अगर हम मिलान करें तो देखिए कॉलम दो का जो चौथा हिस्सा है पुरस्कार लेने के लिए एक पहियों वाली कुर्सी पर गया। मैंने आपको विकलांग बच्चों के बारे में जानकारी दी, उसमें मैंने आपको बताया कि ये बच्चे कहीं ना कहीं अन्य बच्चों से कमतर होते हैं। लेकिन मिलान करने के बाद इस पंक्ति ने इस पूर्वाग्रह को तोड़ दिया। एक विकलांग बच्चा चित्रकारी के क्षेत्र में प्रथम पुरस्कार जीत रहा है और पुरस्कार लेने के लिए मंच पर भी वो स्वयं ही जा रहा है। तो ये धारणा स्वयं में टूट जाती है कि विकलांग बच्चों में प्रतिभा नहीं होती, अक्सर इनमें बहुत अधिक प्रतिभा पाई जाती है। ग भाग की अगर बात करें तो संसार का सबसे तेज धावकों में से एक, संसार के सबसे तेज धावकों में से एक दमा का पुराना मरीज है। अक्सर जो व्यक्ति दौड़ लगाते हैं या जो व्यक्ति दौड़ की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं, उन व्यक्तियों से ये उम्मीद की जाती है कि उन्हें किसी तरह की सांस की बीमारी ना हो। लेकिन अगर हम इस पंक्ति का मिलान करें और समझें तो जिसने विश्व की सबसे तेज धावकों में स्थान बनाया है वो दमे का मरीज था, उसे सांस की समस्या थी। तो कहीं ना कहीं ये मिथक भी, ये कल्पना भी झूठी साबित हो रही। वह बहुत अमीर नहीं थी लेकिन उसका एक अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना अंततः पूरा हुआ। अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना पूरा करने के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने और विदेश जाने में बहुत अधिक खर्चा लगता है और अक्सर हम सोच लेते हैं कि यह बात निम्न वर्ग के व्यक्तियों के लिए संभव नहीं है। लेकिन मिलान करने के बाद यह पंक्ति जो है इस पूर्वाग्रह को तोड़ देती है। निम्न वर्ग का होने के बावजूद भी वह एक अंतरिक्ष यात्री बन गया। आइए अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं, अस्पृश्यता शब्द को और अधिक गहरे से समझते हैं। अस्पृश्यता का शाब्दिक अर्थ है न छूना। इसे सामान्य भाषा में छुआछूत की समस्या भी कह सकते हैं। अस्पृश्यता का अर्थ है किसी व्यक्ति या समूह के सभी लोगों के शरीर को सीधे छूने से बचना। ये मान्यता है कि अस्पृश्य या अछूत लोगों को छूने से तथाकथित उच्च जाति के लोग अशुद्ध हो जाते हैं। भारत में अस्पृश्यता की प्रथा को भारतीय संविधान के अनुसार एक दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है और इस बीमारी को, इस कुरीति को दूर करने में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें प्रमुख हैं महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ज्योतिबा फुले की अगर बात करें तो महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म पूना के निकट एक गांव में हुआ। इन्होंने समाज में धार्मिक बुराइयों, छुआछूत, दलितों एवं महिलाओं को शिक्षित ना होने देने वाले ढोंग और ढकोसलों का विरोध किया। महात्मा फुले ने इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए देश में दलितों के लिए पहली पाठशाला खोली। सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी सावित्री बाई फूले को पढ़ाया, जो बाद में उनके द्वारा खोली गई पहली कन्या पाठशाला की शिक्षिका भी बनी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल
1891 को ब्रिटिश भारत के मध्य भारत प्रांत में महू नगर सैन्य छावनी में हुआ। वे रामजी मालोजी सकपाल और भीमाबाई की अंतिम संतान थे। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में 65 सालों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक सभी क्षेत्रों में अनगिनत कार्य किए और भारतीय संविधान को और राष्ट्र के निर्माण को बनाने में उनका अहम योगदान है। इन सभी विभूतियों ने मानवाधिकार जैसे दलितों और दलित आदिवासियों को मंदिर में प्रवेश कराया और अनेकों कुरीतियां जो समाज में चल रही थी उनके लिए मनुस्मृति दहन जो 1927 में हुआ, नासिक सत्याग्रह जो 1930 में हुआ, येवला की गर्जना जो 1935 में हुआ जैसे आंदोलन चलाए। बेजुबान शोषित और अशिक्षित लोगों को जागरूक करने के लिए साल 1927 से 1956 के दौरान मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत नामक साप्ताहिक और पाक्षिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया गया। हिंदू विधेयक संहिता के जरिए महिलाओं को तलाक, संपत्ति में उत्तराधिकार आदि का प्रावधान दिया गया और इसके कार्यान्वयन के लिए संघर्ष किया गया। अगर हम आर्थिक, वित्तीय और प्रशासनिक तौर पर इनके योगदान को देखें तो भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, डॉक्टर अंबेडकर की रचना रुपए की समस्या, उसका उद्भव और प्रभाव, और भारतीय चलन व बैंकिंग इतिहास, और हिल्टन यंग कमीशन के समक्ष उनकी साक्ष्य के आधार पर 1935 में हुई। उनके दूसरे शोध ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास के आधार पर देश में वित्त आयोग की स्थापना हुई। साल 1944 में प्रस्तावित केंद्रीय जल मार्ग और सिंचाई आयोग के प्रस्ताव को 4 अप्रैल 1945 को वायसराय की ओर से अनुमोदित किया गया और बड़े बांधों वाली तकनीकों को भारत में लागू करने हेतु प्रस्तावित किया गया। आइए अब बात करते हैं संविधान निर्माण की। समता, समानता, बंधुता और मानव आधारित भारतीय संविधान को 2 साल 11 महीने और 17 दिनों में अथक प्रयासों के बाद तैयार किया गया। साल 1951 में महिला सशक्तिकरण का हिंदू संहिता विधेयक पारित करवाने में प्रयास किया और पारित न होने पर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री के पद से इस्तीफा भी दे दिया। उन्होंने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में एससी एसटी के लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की। तो बच्चों, इस अध्याय में आपने जाना कि किस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले और महात्मा गांधी जैसी अनेक विभूतियों ने अपना योगदान भारत से इन कुरीतियों को मिटाने के लिए किया। आपने यह भी जाना कि दलित होने के बावजूद भी बाबा भीमराव अंबेडकर का कितना अहम योगदान भारत के संविधान को बनाने में रहा। तो आइए इसी अध्याय पर आधारित कुछ प्रश्न उत्तर करते हैं। सबसे पहले सही चुनाव वाले प्रश्न। पहला प्रश्न, ज्योतिबा फूले द्वारा खोली गई पहली कन्या पाठशाला की शिक्षिका कौन थी? इसमें आपको सावित्री बाई, कमला बाई, हेमंत सिंह उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सावित्री बाई फुले सही उत्तर है, जो कि ज्योतिबा फुले द्वारा खोली गई पाठशाला की प्रथम शिक्षिका थी। दूसरा प्रश्न, अस्पृश्यता का शाब्दिक अर्थ क्या है?
न छूना, साफ नहीं दिखना, मिलकर रहना, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, अस्पृश्यता का सही अर्थ है न छूना। तीसरा प्रश्न देखिए, लड़कियों को बचपन का आनंद उठाने नहीं दिया जाता, बल्कि उन्हें बचपन में ही घर के कामों में लगा दिया जाता है। इस वाक्य में कौन सी धारणा झलकती है? रूढ़िवादी धारणा, साम्यवादी धारणा, समाजवादी धारणा या उपरोक्त में से कोई नहीं? प्रिय बच्चों, इसमें हमारे समाज की रूढ़िवादी धारणा झलकती है। अगला प्रश्न, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा, जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19 या अनुच्छेद 21 ए? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 17। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1892, 14 अप्रैल 1800 या 15 अप्रैल 1891? तो बच्चों, इसका सही उत्तर है 14 अप्रैल 1891। सबसे अहम प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण को कितना समय लगा? सही उत्तर चुनाव कीजिए 2 साल 11 महीने 17 दिन, 2 साल 10 महीने 8 दिन, 1 साल 11 महीने 20 दिन या 3 साल 11 महीने 15 दिन। प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर है 2 साल 11 महीने 17 दिन। अगला प्रश्न, महिला सशक्तिकरण का हिंदू संहिता विधेयक पारित करवाने का प्रयास कब किया गया? साल 1951 में, साल 1952 में, साल 1954 में या साल 1950 में? इसका सही उत्तर है 1951। किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग या क्षेत्रीयता के आधार पर किसी सुविधा से वंचित रखने को क्या कहते हैं? भेदभाव, रूढ़िवादी धारणा, समानता या इनमें से कोई नहीं? ये बच्चों, अगर इस तरह की सुविधाओं से वंचित रखा जाता है तो उसे हम कहते हैं भेदभाव। आइए अब हम सही मिलान के प्रश्न उत्तर करते हैं। देखिए, जो कॉलम ए में सबसे पहले दिया गया है डॉक्टर बी आर अंबेडकर, इसका सही उत्तर है उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को हुआ। महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्होंने क्या किया था प्रिय बच्चों? दलितों के लिए पहली पाठशाला का निर्माण। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीने और 17 दिन। महाड सत्याग्रह कब तैयार हुआ? यह 1928 में तैयार हुआ। मनुस्मृति दहन की घटना कब हुई? 1927 में हुई। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर करके आपको इस विषय को और अधिक समझने में मदद मिली होगी। तो प्रिय बच्चों, देखा आपने आजादी से पहले भारत में किस तरह का माहौल था, किस तरह सामाजिक प्रीतियों के नाम पर कुछ लोगों से भेदभाव किया जा रहा था। आपने उन समाज सुधारकों के बारे में भी पढ़ा जिन्होंने इन कुरीतियों को खत्म करने में अपना विशेष योगदान दिया, और शायद ये उन समाज सुधारकों का ही सपना था कि आज हम एक ऐसे स्वतंत्र भारत में रह रहे हैं जहां विविधता में अनेकता है। हम एक ऐसे भारत में रह रहे हैं जहां कितनी ही जातियां हैं, कितने ही धर्म हैं, इसके बावजूद भी भेदभाव नहीं किया जाता। और बच्चों, हम
भविष्य में भी एक ऐसे ही समाज की कल्पना करते हैं जिसमें अनेकता में एकता हो, विविधता हो, लेकिन ऐसी जिसमें किसी तरीके का भेदभाव ना हो। तो आपसे भी ये उम्मीद की जाती है कि आप भी भविष्य में बिना किसी भेदभाव के इस समाज की ऐसी रचना करेंगे जो यह संदेश देगी कि जिस समाज में हर तरह से अनेकता हो, हर तरह से विविधता हो, वहां पर भी समानता और बिना भेदभाव के जिया जा सकता है। धन्यवाद।